तो भी गाइस पंगा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सोसाइटी के बाहर ना पुलिस आई है तो मुझे बुलाया गार्ड ने, पता नहीं क्यों क्या हो गया। चलो देखते हैं क्या सीन है। नहीं हैं, मैं भी आऊं? पुलिस आई है, मैं भी आऊं? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं पता नहीं पुलिस का क्या सीन हो गया मेरे को। हैं पापा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार। और मेरे बारे में पूछते हैं, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी यहीं रहते हैं ना। वैसे मैंने बोई भैया को फोन कर दिया, बोई भैया भी आ रहे हैं, बिकॉज मेरे को डर लगता है यार, वो देखेंगे जो कोई बात नहीं होगा। कार्ड साहब बता रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, गेट पर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे कैसे चले गए? थोड़ा जो लोग आते हैं उनको बताया करो कि थोड़ा सा। नहीं सर, जब से मैं आया हूँ तब से तो कोई ऐसी वो नहीं हुई घटना कि जो कि गेट कूद के ही डर को आए। जैसे पहले हुई थी बोलते हैं, जब ये फर्स्ट फर्स्ट में आए थे तो मुझे अभी बताया ना कि ऐसे चढ़ जाते तो गेट पे मत। सर मैं तो मना ही करता हूँ अपनी वीडियो। नहीं नहीं, उन्होंने तो खुद ही लिख रखा है। हाँ मैंने बाहर बाहर नोटिस भी डाल रखा कि यहाँ पे सोसाइटी वाले मना करते हैं, तो सोसाइटी वाले भी बहुत कंप्लेन करते हैं ना। आप लोग भी अपने वीडियोस जो है ना, अपने जो आपके जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, मेरे बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, तो उनको एक मैसेज दे दो कि ऐसे ना करें। तो आइए बैठिए ना प्लीज। मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहा, मैं डेली बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, जब भी कोई आता है कि प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करा है, लेकिन अब नहीं मानने वाले नहीं मानते ना। अरे वो तो चलो, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। क्योंकि जब ये गाड़ी चला रहे थे हल्द्वानी में, बोला जब मेरे को देखते हो भैया, मैं जब रुकता हूँ तभी वो करो, अन्यथा मैं अपनी गाड़ी का ध्यान देता हूँ, मेरी गाड़ी टकरा वो होते होते बची है अभी। कई बार होते हैं ऐसा। हाँ क्योंकि आगे वाला ब्रेक लगाएगा। बड़ी कंप्लेंट रहती है यहाँ पर, भीड़ खड़ी हो जाती है। हाँ यहाँ आते तो इकट्ठे बैठ जाते हैं लोग, जहाँ तो लोग वीडियो बनाने आते हैं सारे। वीडियो बनाने तो कोई मतलब नहीं होता। सर आइए सर, पानी पी लीजिए थोड़ा, दो एक गिलास बैठ के भर लेंगे सर। आइए सर, पास में घर है। मजा आया। तो बात ऐसी है, कंप्लेन आई है, पता नहीं कहीं से कंप्लेन आई है कि सोसाइटी के बाहर जैसे कि लोग खड़े रहते हैं ना और भीड़ लगे, सोसाइटी वाले पता नहीं सोसाइटी वाले में किसने कंप्लेन करी है। तो हाँ तो सर आए थे, वही बता रहे थे। मैंने सर को बोला, मैंने तो वीडियोज में बोलता रहता हूँ, बट बाकी तो सब ठीक है। वीडियोस वीडियोस तो अच्छी बात है, वीडियोस बनाओ, सब चीज़ दो, बहुत से बच्चे आपको देखते भी हैं, वो आपको वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा मैसेज भी आता है। लेकिन हमारा पॉइंट भी है कि आपकी वजह से कोई और की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो ना, कॉलोनी में और लोग भी रह रहे हैं तो, और आपके वो तो फॉलोअर जो करते हैं आपको, आपको करते हैं लेकिन और उससे डिस्टर्ब होता है। तो काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ आके कोई गेट पर चढ़ जाता है, औरतें बच्चे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपने अपने तरफ से ना एक मैसेज दो। तो हमारा कैरावैन था उसको ओवरटेक कर रहे हैं ऐसे मोटरसाइकिल्स कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क है विदाउट हेलमेट। तीन तीन लड़के मैं देख रहा था बाइक में चल रहे, तीन 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 बंदे एक बाइक में चल रहे और किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, उसके बाद ओवरटेक करते हैं गाड़ी को, तो वो गलत है ना सर। एक फोटो के लिए आप अपनी जिंदगी रिस्क पे ले रहे हो। तो मैंने तो इतना बोला है वीडियो में, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जब भी कोई करता है मैं उसी टाइम वीडियो में बोल देता हूँ। चाय नहीं, चाय नहीं, प्लीज सर, प्लीज सर, फिर कभी बस पानी पीजिए, चाय फिर दोबारा कभी आएंगे। चलिए सर, ठीक 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 है सर, हम ठीक है सर। बाबा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं यहाँ पर लोग, सबके साथ रहना है ना, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है, ठीक है, अपनी भी और उनकी भी। मैं अच्छा भला ब्लॉग कर रहा था आज और एकदम से पुलिस आ गई, पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे और मैंने भी उनको बोला जैसे कि आपने देखा थोड़ा बहुत। और हाँ वो मुझे जानते थे, उनके घर में मेरे वीडियोस भी देखते हैं उनके बच्चे, तो हाँ तो उन्होंने समझा सब कुछ। और पता नहीं क्या किसने कंप्लेन कर दी,